सबका आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मिनट देते हैं सबको, जो जो आना चाहते हैं। जैसे सेशन शुरू होगा मैं सबको म्यूट कर दूंगा। जिसकी भी क्वेरीज हो वो एक पेज पे लिख ले, और अगर किसी स्लाइड में कोई दिक्कत है तो स्लाइड का नंबर लिख ले, ठीक है? सेशन पूरा होने के बाद जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होगी, तब सबको अनम्यूट किया जाएगा। ओके, ठीक है सर। जो भी क्वेरीज है लिख लो, मैं सबको म्यूट कर दूंगा, तो मुझ तक आवाज नहीं आएगी तुम सबकी। तो जब सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डीप है, ठीक है? सबको स्लाइड विजिबल है? यस सर, दिख रही है। यस सर। मैंने कहा था प्रेफरेबली लैपटॉप या पीसी पे होगा तो स्लाइड ज्यादा इजीली क्लियर होती है। अगर मोबाइल पे हो तो जूम कर सकते हो तुम लोग। चलो शुरू करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे पीछे से, जरूरी है क्योंकि लंबी स्लाइड है, टाइम कम है, ठीक है? सबको ऑडिबल हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। अगर किसी को इमरजेंसी है तो अपने आपको अनम्यूट करके बोल सकता है वो, ठीक है? वैसे कोशिश करना कि लास्ट में ही क्वेरी ली जाए सब। चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। आज हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पीडियाट्रिक में, पीडियाट्रिक केस में जो बच्चों में हमेशा हमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही मिलता है, ठीक है? दो तरह के होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है? क्रॉनिक जो एडल्ट्स में मिलेगा उसमें काफी साल, 2-3 साल या 5 साल की हिस्ट्री होती है, ठीक है? जिसमें किडनीज को काफी डैमेज हो चुका होता है, तो वो मिलता है हमें मेनली एडल्ट्स में। और जो बच्चों में हमें मिलता है मेनली एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक? चलो सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन पे, ठीक? डेफिनेशन में क्या है, जैसे कि नाम से तुम्हें पता ही चल रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? जिसके आगे आइटिस लग जाए इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन किसका? ग्लोमेरुलाई का। ग्लोमेरुलाई होती क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? वैसे आपको पता होना चाहिए, आपने एनाटॉमी में पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है? तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? जैसे आप देख पा रहे होंगे किडनी का जो एनाटॉमी है उसमें जो बाहर का पार्ट है आउटर मोस्ट पार्ट उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो बीच में इनको बोलते हैं मेडुला। दोनों के बीच में क्या होते हैं? पिरामिड्स होते हैं, और पिरामिड्स के अंदर ही नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन के अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस होता है, और उसके अंदर ग्लोमेरुलाई, ठीक है? वो आगे हम एनाटॉमी में और क्लियरली पढ़ेंगे। जो मैंने तुम्हें टाइप्स बताया एक्यूट और क्रॉनिक, वो तो टाइप्स है ही, एक तरह से आप और डिस्टिंग्विश कर सकते हो उसको, प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नॉन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो भी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो किसी ना किसी इन्फेक्शन के बाद ही होते हैं, ठीक है? और इन्फेक्शन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, मैक्रोफेजिस, मोनोसाइट्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, इनके नंबर बढ़ते हैं। नंबर बढ़ने को क्या कहते हैं? प्रोलिफरेट करना, ठीक है? तो इनमें सभी में क्या मिलता है? प्रोलिफरेशन मिलता है, जो सेल्स का नंबर है वो बढ़ता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके काफी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन नेफ्रोपैथी, दूसरा टाइप है पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और थर्ड है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें बच्चों में ज्यादातर जो पहले दो हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए नेफ्रोपैथी और दूसरा पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन दोनों में भी सबसे ज्यादा बच्चों में क्या मिलता है? पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट इन्फेक्शियस का मतलब किसी भी इन्फेक्शन के बाद अगर उनको ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम किसके अंडर रखेंगे? पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? दूसरा क्या है? नॉन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? ज्यादातर जो प्रोलिफरेटिव होते हैं वो एक्यूट होते हैं, और नॉन प्रोलिफरेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉनिक होते हैं, ठीक है? तो हम क्रॉनिक नहीं पढ़ेंगे, ये इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? किसी को पढ़ना हो तो देख सकता है, मगर अभी हमें क्या पढ़ेंगे? सिर्फ हम
प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ेंगे, नॉन प्रोलिफरेटिव पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इसके टाइप से नीचे कोई इनको रेफरेंस करना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी बता दूं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बार बार पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एपीजीएन, एपीजीएन का मतलब क्या होता है, एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैंने बताया था मेनली जो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो बेसिकली एक्यूट ही होता है, क्रॉनिक बहुत कम केसेस में। क्रॉनिक कौन से होते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव, जिसमें सेल्स का नंबर नहीं बढ़ता है। दूसरा एजीएन बोल सकता हूँ मैं, एजीएन मतलब एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिंपल, कोई भी रीजन हो, कोई भी कॉज हो, अगर वो एक्यूट है तो उसको एजीएन के अंडर करेंगे हम। पीआईजीएन, ठीक है, आज हमारा मेन फोकस इसी पर होगा, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। पोस्ट इन्फेक्शियस का मतलब किसी भी इन्फेक्शन के बाद जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है उसको, और सबसे मेन इन्फेक्शन जो बच्चों में होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो हम क्या पढ़ेंगे, पीएसजीएन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये पीआईजीएन के अंडर ही आता है। पीआईजीएन सबसे मेन इन्फेक्शन कौन सा होता है बच्चों में, स्ट्रेप्टोकोकल, जो गला खराब होना, गले में पस पड़ जाना, ठीक है, दांत में पस पड़ जाना, ये सब किसके कारण होते हैं, मेनली स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से, और इसी की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बच्चों में पाया जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पीआईजीएन या फिर स्पेसिफिकली पीएसजीएन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। थोड़ी अनॉट में देख लेते हैं, ये आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, नेफ्रॉन में सिर्फ आपको अभी बोमन कैप्सूल दिख रहा है, जो ये ब्लूइश कलर में है वो क्या है, बोमन कैप्सूल, ठीक। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, बोमन कैप्सूल में जो अभी आर्टरीज देख रहे हो, स्मॉल आर्टरीज रेड कलर की, जो एफ्रंट आर्ट्रियोल है और जो ईफ्रंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये जो आर्टरीज का स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई क्या है एक्चुअली, है कुछ नहीं, वो ये स्मॉल आर्टरीज ही है, ठीक है, जिसके अंदर से फिल्ट्रेशन, आपने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ा है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, सबसे पहले कहाँ से फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलाई से। जो ये आपकी ये आर्टरीज दिख रही हैं, इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आप राइट साइड में नीचे देख सकते हो, जो ब्लूइश कलर में वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो येलोइश कलर में वो क्या है, वो है एंडोथीलियम, और ये क्या है, गोल कैपिलरी है ये, स्मॉल आर्टरीज को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। यही स्मॉल आर्टरीज का जो पूरा ग्रुप है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। इसी की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आप बोल सकते हो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल आर्टरीज इन द नेफ्रॉन और इन द किडनी इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इस तरह में बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इन्हीं की इन्फ्लेमेशन होने को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसमें डैमेज किसमें होता है, खासकर बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियल में, ठीक है, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम। जिसको भी कोई डाउट हो बाद में पूछ सकते हो, और इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो, अपने नोट में आपकी क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है, आपने नोट में पढ़ लिया होगा। मैं खाली आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आगे जाके टॉपिक में, इसलिए मैंने स्लाइड रखी है ये, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ एपीएसजीएन, एपीएसजीएन मैं बताया हूँ, आगे हम यही बोलेंगे, एक्यूट प्रोलिफरेट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एपीएसजीएन। इसके बेसिकली बहुत सारे कॉज होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, और खासकर दो ही स्ट्रेन इसमें सबसे मेन देखे गए हैं जिसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। सबसे पहला स्ट्रेन 12, ठीक है, मेनली क्या करता है ये, यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो बच्चों में बार बार स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं हम, स्ट्रेप थ्रोट में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत, कफिंग, ठीक है, स्नीजिंग, ठीक है, स्पुटम खाना, बलगम आना, ये सब दिक्कत होती है। तो अगर स्ट्रेन 12 को कोई किसी बच्चे को इन्फेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से आपको एपीएसजीएन मिल रहा है, इसका मतलब किस सीजन में होगा, खासकर विंटर सीजन में या कोल्डर एनवायरमेंट में ये स्ट्रेन जो काम करेगा, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है, जो हमारे ट्रैकिया होता है वो क्या ड्राई होता है, ड्राई एरियाज में वो म्यूकस कम होता है, सीक्रेट कम होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन जो है सर्दियों में ज्यादा एक्टिव होता है और इजिली डिजीज कॉज कर पाता है, ठीक है। तो अगर आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिल रहा है सर्दियों में, ठीक है, तो ज्यादातर किसकी वजह से होगा, वो स्ट्रेन 12 की वजह से। दूसरा स्ट्रेन कौन सा है इसका, 49, ये ज्यादातर क्या कॉज करता है, स्किन इन्फेक्शन, जैसे इम्पैटिको हो गया, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, स्किन में रैश हो गया, अगर उसके बाद आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केसेस मिल रहे हैं, ये साइन और सिम्टम मिल रहे हैं और आपने हिस्ट्री ली है, मैं आपको आगे जाके फिर से बताऊंगा, बट अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ
कि 2 से 4 हफ्ते के अंदर या मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साइंस सिम्टम आने लग जाते हैं। कब? इसके बाद, ठीक है। हो सकता है उसको पहले खांसी हुई हो, जुकाम हुआ हो, और 3 हफ्ते बाद उसको यूरिन में ब्लड आने लग गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, मगर उससे 2 से 3 हफ्ते पहले वो हिस्ट्री दे रहा है कि उसको खांसी हुई थी, ठीक है, जुकाम हुआ था, कफ हुआ था। तो वो कौन सा स्ट्रेन होगा? स्ट्रेन 12, ठीक है। अगर वो बता रहा है उसको पहले 3 हफ्ते पहले स्किन इन्फेक्शन हुआ था, स्किन में रैश हुए थे, ठीक है, इम्पेटिको हुआ था, तो वो क्या कॉज करेगा? स्ट्रेन 49 कॉज करेगा। और किस सीजन में मेनली एक्टिव होगा? गर्मियों में, ऑटम सीजन में, या हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ब्रॉड वे में बता देता हूँ कि मेनली क्या किससे कंसिस्ट होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड मैकेनिज्म। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जैसे कि राइट साइड फोटो में देख पा रहे होंगे, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो क्या एक तरह से एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है, उसके अगेंस्ट क्या बनेंगी? एंटीबॉडी बनेंगी। एंटीबॉडी किसी एंटीजन को कैसे मारती है? वो उसके एंटीजन के सेम एज ए लॉक एंड की तरह का मैकेनिज्म बनाती है, उससे अटैच हो जाती है। एंटीबॉडी किससे अटैच होगी? एंटीजन से। फिर उसको कहाँ ले जाती है? वो लिम्फेटिक साइट्स पर ले जाती है, लिम्फ नोड्स पर ले जाती है। वहां जाके उसको जो मैक्रोफेजेस है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको पड़ा कार्टून में, ये क्या मैक्रोफेजेस है, ये क्या करते हैं? इनको एनगल्फ कर लेते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, एक तो वो इनसॉल्युबल होता है और वो इतनी ज्यादा अमाउंट में बनता है, एक किसके अंदर आता है? टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। ये इतनी ज्यादा अमाउंट में बनती है कि जो मैक्रोफेजेस हैं, जो आपके इम्यून सेल्स हैं, इनको क्लियर नहीं कर पाते, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, और ये कहाँ इकट्ठे हो जाने लग जाते हैं? आर्टरीज के अंदर ही। नीचे देख, ये ब्लड वेसल का, ब्लड वेसल है ये, ऊपर क्या है ये? एंडोथीलियम, और सब इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्टिवली क्लियर नहीं कर पाते इन कॉम्प्लेक्स को, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। देख लो राउंडेड येलो कलर क्या है, ये एंटीजन है, और आपको जो वाई शेप में दिख रहे हैं, ये हमारी एंटीबॉडीज है। वो इससे इस तरह अटैच हो जाती है, और इससे अटैच होकर फिर किससे अटैच हो जाती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो आप ऊपर और नीचे देख पा रहे हो। अगर इनको टाइम से नहीं हटाया गया तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बना है, मीडिएटेड मैकेनिज्म, ठीक है। एक ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और दूसरा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप इन्फ्लेमेशन पढ़ लो, इन्फ्लेमेशन पढ़ोगे तो उसमें हाइपरसेंसिटिविटी आएगी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें टाइप 3 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो उसको अपने आप से पढ़ना, और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। अब जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले किसका इन्फेक्शन होता है? अगर कोई स्लाइड नहीं देख पा रहा है या स्लाइड बहुत स्लो चल रही है नेट की वजह से, कोई बात नहीं, आप मेरी ऑडियो सुनते रहो, जो मैं बता रहा हूँ वही सुनते रहो, ठीक है, उसको नोट करते रहो। अगर फिर भी मैं ये PPT आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। किसी की PPT नहीं चल रही है, स्लो है, कोई बात नहीं, ऑडियो क्लियर होगा, ऑडियो सुनते रहो आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है उसको। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। आप कैसे चलेगा पता, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था ये, उसको सोर थ्रोट होगा। आप देख पा रहे हो टॉन्सिल्स जो है उसमें क्या है, व्हाइटिश क्या पस फॉर्मेशन है। ये किसका इंडिकेटिव है? स्ट्रेप थ्रोट का। इसको स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं। स्ट्रेप थ्रोट ऐसा ही दिखता है, जब भी आप किसी बच्चों में देखोगे और व्हाइट लाइंस ये पस के डॉट्स दिखेंगे आपको, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से उसको पस फॉर्मेशन हो गई है। दूसरा, अगर उसको डेंटल पस हुआ है, दांत के नीचे मसलों में देख पा रहे हो पस फॉर्मेशन है ये, अगर ये पस हुआ है, अगर बताता है कि मुझे दांत में पस पड़ी थी या मेरे गले में दर्द था या मुझे स्ट्रेप थ्रोट हुआ था, अगर एग्जैक्टली बता पाता है वो, ठीक है, गला खराब, खांसी हुआ था, इसका मतलब क्या है, उसको सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ था। और मोस्ट प्रोबेबली कौन सा इन्फेक्शन हुआ होगा उसको, अगर उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सिंड्रोम मिल रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडीज को बनने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इसी की वजह से जो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, इसमें एक साइन सिम्टम आगे पढ़ोगे क्या क्या सिम्टम आते हैं, जो भी साइन ऑफ सिम्टम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के APSGN के आपको मिलते हैं, वो कब मिलते हैं? 2 से 3 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडीज बनने में उसको कितना टाइम लग जाता है? 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो जो मैंने आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बताए थे, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, ये कब तक बन पाते हैं पूरी तरह से? 2 से 3 हफ्ते में, ठीक है। जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो आगे मैं बताऊंगा पैथोलॉजी क्लियरली, ठीक है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप देख लो। सबसे पहला स्टेप को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ उसको, उसके बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी बनी उससे अटैच हुई तो क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। ये बनने में कितना टाइम लग गया, 2 से 3 हफ्ते में। अब ये जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी क्या खासियत होती है? पहला, ये एफिनिटी रखता है किसकी तरफ, ग्लोमेरुलाई की तरफ। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हर केस में बनते हैं, बट जो स्ट्रेप्टोकोकल के साथ जो बनता है, ठीक है, वो किसकी तरफ एफिनिटी रखता है, ग्लोमेरुलाई की तरफ, ठीक है। यही और किसकी तरफ एफिनिटी रखता है, आपके जो सेल्युलर मेम्ब्रेन्स है, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से ही आपको रूमेटिक अर्थराइटिस भी होता है, मैंने बताया था, और उसकी वजह से आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज भी होता है, ठीक है। इन सभी में क्या हिस्ट्री रहती है बचपन में उसको, स्ट्रेप थ्रोट की, उसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही बार इन्फेक्शन होने पर दिक्कत आ जाती है, ये जिसको बार बार इसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता रहता है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, उसी को में ज्यादा चांसेस होते हैं, कि फैमिलीज में चल रहा हो उसी को ज्यादा चांस होते हैं ये होने के, ठीक है। ये पहले से जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हो, या फिर इनकी इम्यूनिटी लो हो, या फिर बचपन में उनको कई बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही क्यों कॉज करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एफिनिटी रखता है किसके तरफ, ग्लोमेरुलाई की तरफ। ग्लोमेरुलाई क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल्स या स्मॉल आर्टरीज इन द ग्लोमेरुलस, जो मैंने आपको दिखाई था पीछे, ठीक है। तो ये एफिनिटी रखता है उसकी तरफ, तो ये धीरे धीरे जब ब्लड में फ्लो करता है, तो जब भी ग्लोमेरुलाई में आता है, तो वहां जाके वो उससे अटैच, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच कर जाता है, ठीक है। और इसकी दूसरी खासियत क्या होती है, ये इनसॉल्युबल होता है। अगर ये सॉल्युबल होता तो क्या ये ब्लड में सॉल्युबल हो जाता, या तो फैट में, या फिर वाटर में सॉल्युबल होके ये यूरिन थ्रू निकल जाता, बट दोनों ही तरह से क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। और इतने अमाउंट बनते हैं कि मैक्रोफेजेस भी इनको, जो हमारे इम्यूनिटी इम्यून सेल्स हैं, वो भी इनको फैगोसाइट या इनको क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है, वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे, प्लस इनसॉल्युबल है तो ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। इसी वजह से, इन दो की वजह से, एफिनिटी टुवर्ड्स ग्लोमेरुलाई और इनसॉल्युबल होने के कारण, ये कहाँ जाके अटैच होता है आपके, ग्लोमेरुलाई या फिर स्मॉल आर्टरीज ऑफ द किडनी, उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाकर अटैच होता है ये, ठीक है। वहाँ प्रोटीन्स होते हैं, उस पर जाके ये अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आप बस इतना जान लेना, अलग से पढ़ लेना इसको। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, एक तरह का इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है। जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रोटीन से अटैच होता है और उसको डैमेज करना शुरू करता है, तो जैसे वो डैमेज करता है, किसको एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ये सिस्टम क्या करता है, वही सेम इन्फ्लेमेशन कॉज करता है उस एरिया में। इन्फ्लेमेशन का मतलब, ये मैक्रोफेजिस को वहां बुलाता है, मोनोसाइट्स को वहां बुलाता है, वो जल्दी से आ पाए, इसकी वजह से क्या करता है, वो ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है वहां पर, ठीक है। तो वहां स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और सारे मैक्रोफेजिस, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इम्यूनोग्लोबिन, सबको वहां बुलाता है क्या करने के लिए, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को वहां से हटाने के लिए। तो जो हमारा इम्यूनिटी है, इसको हटाने के साथ साथ, एक तो ये पहले से बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, वो इनको तो इंगल्फ करते ही करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करते करते हैं, साथ में क्या कर देते हैं, वो हमारे इम्यून, हमारे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा डैमेज है वो डबल हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। कि एक हाइपरसेंसिटिविटी होती है किसी एंटीजन के बॉडी में पार्टिकल के एंटर होते ही, ठीक है, जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया, उसको स्वेलिंग आ गई बहुत ज्यादा, वो क्या है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। एक या दो दिन बाद हो रही है, जो अगर उसके बाद होती है, दोबारा से होती है, उसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। और ये कब हो रही है, 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू हो रहा है इन्फ्लेमेशन ये, ठीक है। कॉज कब तक, कॉज आगे चला गया 3 हफ्ते पहले ही, और 3 हफ्ते बाद जब वो ठीक भी हो गया, वो क्या पता, उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन शुरू हो रही है उसकी बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा बता दिया, टाइप 1 शुरू में होती है, उसके बाद टाइप 2, और जो लेट होती है बहुत, उसको क्या बोलते हैं, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। ये आप अलग से पढ़ लेना। तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से क्या होगा, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ WBCs, RBCs एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंडर आता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके WBC, RBCs और बाकी मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स, जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो डिवाइड करते हैं जल्दी जल्दी, प्रोलिफरेट करते हैं, उनका नंबर बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसको किसमें लगता है, प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ठीक है।
तो क्या होगा, सभी सेल्स को आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को वो वहां पर उस साइट पे बुलाएगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी वहां पर, तो स्वेलिंग आएगी, ठीक। तो उसके बाद स्क्रीन, ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया था, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन हो गया वहां पर, उसकी वजह से क्या क्या होगा, आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था, वो डैमेज होगी। आगे अगले स्लाइड में देखेंगे और क्लियरली कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होती है और कैसे डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन जो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। दूसरा, जब इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके आर्टरीज में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन्स पे अटैच हो जाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे, तो क्या होंगे, ये ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। तो जब स्मॉल, वैसे ही उनका नैरो है बहुत, वो स्मॉल कैपिलरीज है ना, वो स्मॉल ब्लड वेसल्स है, तो उनका जो ल्यूमेन है वैसे ही बहुत नैरो होता है। ये इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लॉक होना शुरू हो जाती है वो आर्टरीज, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से किडनी में क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, ठीक। अब क्या साइन सिम्टम इनकी वजह से आएंगे, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, जो बीच में मैंने बताया था यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ग्लोमेरुलाई के थ्रू, ठीक है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वो एकदम परमेबल नहीं होते, सेमी परमेबल होते हैं, वो बड़े सेल्स को फिल्टर नहीं करते हैं, आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनको फिल्टर वो नहीं करते, ठीक है। ये बड़े सेल्स जो है फिल्टर नहीं होते हैं, और ये एफरेंटिब्यूल से आके इफरेंटिब्यूल से निकल जाते हैं। यूरिन में प्रोटीन, ब्लड, डब्ल्यूबीसी मतलब पस सेल्स नहीं आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है। तो जब ये डैमेज हो जाएगी, मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, आपकी सेल्स से, स्क्वैमस सेल से बनी होती है, एक के बाद एक सेल्स अटैच होते हैं और बीच में उनके थोड़ा स्पेस होता है, जिससे कि छोटे सेल्स फिल्टर हो जाते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगले स्लाइड में देखेंगे हम फिगर में, तो बीच में स्पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या बन जाएगी, बिकम्स मोर परमिएबल, ठीक है। तो लास्ट सेल्स जो होते हैं फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे यूरिन में आपके, ठीक है। लास्ट सेल्स आपके यूरिन में फिल्टर होंगे, उसमें कौन कौन सेल्स होंगे, आरबीसीज, अगर आरबीसीज आएंगे तो उसको क्या बोलोगे आप, हिमेचूरिया बोलोगे। आपको जो यूरिन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, रस्टी कलर या रेड कलर का हो जाएगा, और डार्क ब्राउन कलर का यूरिन आएगा आपको, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, हिमेचूरिया। प्रोटीन्स फिल्टर होने शुरू हो जाएंगे, एल्बुमिन जो होता है, मेन प्रोटीन जो होता है, वो फिल्टर होने शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अगर ब्लॉक, मैंने बताया था ग्लोमेरुला क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक होने से क्या होगा, आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड जो है फिल्टर नहीं हो पाएगा, फिल्टर नहीं होगा तो यूरिन फॉर्मेशन आपकी कम हो गई, तो आपका बेसिकली यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, सीवियर कंडीशन में 500 ml से भी, पूरे दिन में 500 ml से भी कम आ जाता है ये, बट एक्यूट कंडीशन में ये 500-600 ml के आसपास रहता है। तो यूरिन आउटपुट जितना आपको पहले आ रहा होगा उससे कम हो जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप, ओलिगोयूरिया, आपका यूरिन कम हो गया। और थर्ड एंड मोस्ट लीस्ट जो है, स्वेलिंग जो किडनी में होती है उसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एंटीजन भी हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको फीवर आएगा, बॉडी में पेन होगा, ठीक है। एडिमा, जब किडनी ठीक से काम नहीं करेंगी, आगे मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, किडनी ठीक से काम नहीं करेंगी तो पीडल एडिमा, पैरों में आपको पिटिंग एडिमा मिलता है। पिटिंग एडिमा हमेशा दो तरह से मिलता है, या तो हार्ट ठीक से काम ना कर पा रहा हो, कार्डियक कॉज हो, या फिर किडनी ठीक से काम ना कर रही हो, रीनल कॉज हो, ठीक है। फीवर होगा, पेन होगा, एडिमा होगा, नोजिया होगा, एनोरेक्सिया, ठीक है, वेट लॉस होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो इसमें मैं इसमें थोड़ा क्लियरली बताया, सबसे ऊपर देख रहे हो आप, सबसे नीचे जो है पोडोसाइट्स ऐसे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे नीचे जो ब्लूइश कलर में है वो क्या है, पोडोसाइट्स हैं आपके, उनके बीच में देखो कितना कम स्पेस है, तो सेल्स जो नहीं निकल पाते, ये रिपेरेटिव फेज में, जब ये डैमेज होते हैं सबसे ऊपर देखो पोडोसाइट्स कितने छोटे हो गए और बीच में स्पेस कितना बढ़ गया है, ठीक है। स्पेस के बढ़ने से क्या होगा, जो बड़े सेल्स हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, देखो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स भी वहां पर आ गए हैं, वो क्या करेंगे, डैमेज को और बढ़ाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लास्ट सेल्स हैं आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। जो पोडोसाइट्स हैं ये भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करते हैं, बीच में स्पेस बहुत कम होने की वजह से बड़े सेल्स फिल्टर नहीं हो पाते हैं, वहाँ डिस्ट्रॉय हो गए, पिरामिड शेप के बन गए हैं देखो ये, तो बीच में से जो बड़े सेल्स हैं वो भी क्रॉस कर जाते हैं, तो ब्लड में मतलब यूरिन में ब्लड आएगा आपका, आरबीसीज आएंगे, पस आएगी, डब्ल्यूबीसीज आएंगे, ठीक है, और क्या, प्रोटीन आएगा, एल्बुमिन आएगा आपकी ब्लड यूरिन में, ठीक है। तो इससे आपको चल जाएगा पता कि आपकी किडनी जो है डैमेज हो रही है, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड पे देख सकते हो और माइन्यूटली बताया सीआईसी, ठीक है, ये आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सीआईसी, ठीक है। यही बन के धीरे धीरे कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, आपके आर्टरीज के बीच में, देखो ब्लॉकेज कर रहे हैं ये,
ठीक है, सीआईसी का फिगर देखो और बीच में देखो, इस सारे बीच में इकट्ठे होके इस आर्टरी को इसने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको आराम से समझ में आ रहा है। अब देखो साइंस सिम्टम, मैंने बेसिकली सारे साइंस सिम्टम आपको बता दिए कैसे कैसे आएंगे वो, ठीक है, और क्या क्या है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले ब्लड में यूरिन में ब्लड आएगा, हिमेचोरिया। दूसरा ब्लॉकेज होने की वजह से आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ऑलिगोयूरिया। फिर क्या मिलेगा, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको किडलीडिमा मिलेगा। और जो थोड़े बहुत सिम्टम जो स्वेलिंग की वजह से मिलेंगे, आपको फीवर मिल सकता है, मैलेज मतलब बॉडी एक मिल सकता है, एनोरेक्सिया वेट लॉस मिल सकता है, और नोजिया ठीक है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग मिल सकती है आपको। ठीक है, और साइन सिम्टम क्या मिलेंगे आपको, किडनी फेलियर के, पफनेस अंडर आइज, ठीक है, आंखों के नीचे क्या हुआ, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक, इसको क्या बोलोगे, पफिनेस। जब भी किडनी इफेक्ट होती है, अगर आप पानी कम भी पी रहे हो, पानी कम पीने की वजह से भी क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम कम होता है उसकी वजह से आपको क्या है, आंखों के नीचे पफिनेस मिलती है। एक्स्ट्रा फ्लूइड इन लंग्स, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, कफिंग मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, देखो जो सारा ब्लड जो है वो किडनी से कहाँ जाता है वापस, पूरे शरीर से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है वापस। ठीक है, हार्ट के राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अगर आपका जो फ्लूइड है और जो ब्लड जो हार्ट है आपका, वो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता है डोर्सल एरिया के थ्रू। ठीक, तो अगर आपका मान लो जो किडनी फेल हो रही है, तीन ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, किडनी हार्ट और लंग, अगर किडनी फेल हो रही है और किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है ब्लड को, तो क्या होगा, बैक लॉक शुरू होगा। जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो फिल्टर नहीं हो पा रहा किडनी के थ्रू, किडनी से आगे नहीं जा पा रहा है वो, तो किडनी में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से बैक प्रेशर पड़ेगा कहाँ पर, हार्ट पे। अगर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स से जो ऑक्सीजन ब्लड है वो कहाँ पर आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। अगर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और हार्ट उस लंग्स उस ब्लड को आगे नहीं भेज पा रहा है, तो धीरे धीरे ब्लड कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लंग्स के अंदर शुरू होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लंग्स जो है उस ब्लड को ऑक्सीडेट करके आपको लेफ्ट हैंड साइड हार्ट में नहीं भेज पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा होगा, उसकी वजह से आपको क्या मिलेंगे, कफिंग मिल सकती है। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मिल सकती है। तो ये तीनों ही ऑर्गन, हार्ट, किडनी और लंग्स, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर कोई क्वेरी हो इसके लिए मुझे बताना, अगर समझ में ना आया हो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड इन लंग्स। डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफाइल करवा सकते हो आप, उसको ब्लड लोगे, ब्लड में देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफाइल से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसको स्टेप्टोकोक इन्फेक्शन हुआ है। इमेजिंग स्टडीज करवा सकते हो, इसमें क्या है, अब उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, पेट का एक्सरे करवा सकते हो, उसमें क्या स्वेलिंग आपको नजर आ जाएगी किडनी में। ठीक है, दूसरा क्या, किडनी की बायोप्सी करा सकते हो, उसका थोड़ा पार्ट लेके आप स्टडी कर सकते हो। तो किडनी की बायोप्सी में किडनी का बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज, एंडोथेलियल का डैमेज और उसमें जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो तो आपको शो हो जाएंगे। बाकी ब्लड केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो, जो आप KFT करवाते हो वो इसी के अंदर आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें आपका क्रिएटिनिन बढ़ा होगा क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, एल्बुमिन बढ़ा होगा ब्लड में। ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन को क्लियर नहीं कर पाएगी क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रही है। तो जो KFT में सब आप करवाते हो ये सारे सारे किस में आते हैं, ब्लड केमिस्ट्री स्टडीज में आते हैं। ठीक है, तो इन चार तरीके से आप ग्लोबल नेफ्राइटिस को डायग्नोस कर सकते हो इजिली। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये अलग से पढ़ लेना, टाइम भी हमारे पास बहुत कम है, कि किस किस वजह से हमें एक्यूट ग्लोबल नेफ्राइटिस मिल सकता है और मिमिक कर सकता है वो इसको। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, और एक SLE करके सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस एक डिजीज होता है जिसकी वजह से नेफ्राइटिस मिल सकता है। और अगर आपको एडिमा मिल रहा है पैर में और कोई कार्डिक कॉज नहीं है तो आपको लगेगा कि रिनल कॉज हो सकता है। तो बहुत सारे वजह से पैरों में और आंखों में पफिनेस मिल जाती है, जिसमें कि माल न्यूट्रिशन, माल अब्सॉर्प्शन, लिवर सेल फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर। मैंने आपको पहले बताया, अगर पिटिंग एडिमा मिल रहा है तो उसमें या तो किडनी इन्वॉल्व होगी या मेनली हार्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, इसको एक बार आप देख लेना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्यूट ग्लोबल नेफ्राइटिस AGN ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होता है। ठीक है, जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा ये 3 से 4 हफ्ते में सेल्फ लिमिटिंग अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमें ट्रीटमेंट किसका देना होता है, इसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फीवर हो गया, उसको फीवर का ट्रीटमेंट दे दिया आपने, पेन का ट्रीटमेंट दे दिया, उल्टी आने का मन कर रहा है, नोजिया का ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, ज़्यादातर इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है, मगर अगर 4 हफ्ते में भी सबसाइड नहीं कर रहे हैं सिम्टम तो इसको इमिडिएटली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत मेजर कॉज है। एक्यूट AGN एक बहुत मेजर कॉज है
किडनी फेलियर का, अगर ठीक टाइम पे डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो आगे जाके परमानेंट डैमेज कर सकता है और किडनी किसमें जा सकती है, फेलियर में। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, डायलिसिस करानी पड़ेगी पहले, उसके बाद अगर उससे भी काम नहीं चलता तो किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बहुत कम केस में होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ज्यादातर इजिली प्रोग्नोसिस इसकी काफी अच्छी है, ट्रीटमेंट बहुत आराम से हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग है, बस आपको जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उससे उस पर बताना पड़ता है। इसमें मेन मेन आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मैंने बताया था कि जब किडनी काम नहीं करती है, किडनी ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रही है तो किस पे लोड पड़ता है, हार्ट पे, तो आपका बीपी रेज कर जाता है, तो उस बीपी को कम करने के लिए आप एस इनहिबिटर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरे क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैंने बताया था कि क्या है ये, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपकी अपनी इम्यून सेल्स आपकी ही बॉडी को, आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, सप्रेस कर देते हैं, इम्यूनो सप्रेसर भी बोलते हैं इनको, तो आपके जो इम्यून सेल्स हैं इनको सप्रेस कर देंगे। ठीक है, इसकी वजह से आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बट अगर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, जो आपकी इम्यून सेल्स है, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको डिप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्या है, प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, आपकी बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है और उसमें से सिर्फ प्लाज्मा फिल्टर कर लिया जाता है, जो आपके एंटीबॉडीज एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये मैंने ब्लड के पार्ट्स पढ़े होंगे आपने, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा लिक्विड पार्ट और एक सेल्स, तो इसमें क्या करते हैं, लिक्विड पार्ट को निकाल लेते हैं, ज्यादातर जो आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं इसी में होते हैं, खाली प्लाज्मा को निकाल के प्लाज्मा को रिप्लेस कर देते हैं जिसमें वो एंटीबॉडी नहीं होते, तो एक तरह से आपने एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स रिमूव कर दिए बॉडी से। ठीक है, जैसे जैसे प्लाज्मा निकालते जाओगे वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कम होते जाएंगे, और आप किससे रिप्लेस कर दोगे उसको, फ्रेश प्लाज्मा से, जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ना ही वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, ना ही वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ना ही वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, डैमेज नहीं होगा तो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केसेस नहीं मिलेंगे, साइन सिम्टम अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, और प्लाज्माफेरेसिस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को निकालने के लिए आपकी बॉडी से। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अब मेनली जो मैंने सब कुछ पढ़ाया है तो उसको एक केस स्टडी में ले लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 6-year-old मेल, ठीक है, 6 साल का एक बच्चा है, डेवलप्ड एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसको सबसे पहले क्या हुआ, अपर रेस्पिरेटरी URTI हुआ, उसको खांसी जुकाम ऐसे सिम्टम आए। ठीक है, फॉलोड बाय फेशियल एडिमा, जब फेस पे स्वेलिंग आ गई, जो मैंने बताया पफिनेस बिलो आईज, या फेस पे स्वेलिंग आ गई, और क्या डार्क कलर यूरिन आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद उसका यूरिन कैसा हो गया, डार्क कलर का हो गया, रस्टी कलर का मैंने बताया था, इसका मतलब क्या, यूरिन में उसके ब्लड आना शुरू हो गया। जब उसका एग्जामिनेशन किया गया, उसका ब्लड प्रेशर कितना वाला, 120/80, ठीक है, बच्चे के हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, देयर वर हाइपर पिगमेंटेड लीजन, ये भी देखने को मिला, यूआरटीआई तो उसको था ही था, प्लस साथ में क्या था उसको, हाइपर पिगमेंटेड लीजन भी थे, उसको स्किन इन्फेक्शन थे, ब्लैक कलर के हाइपर पिगमेंटेड, मतलब जो उसका स्किन कलर है उससे ज्यादा डार्क कलर के लीजन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, स्ट्रेन 12 जो जिसने URTI किया, और स्ट्रेन 49 जिसने स्किन डिजीज की, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, नोटेड ऑन लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों में मिले उनको। ठीक है, प्रोबेबली ड्यू टू प्रीवियस एक्टिव स्किन इन्फेक्शन, मतलब उसको स्किन इन्फेक्शन पहले से चलता आ रहा था। ठीक है, यूरिन की एनालिसिस करवाई तो उसमें बहुत ज्यादा यूरिन में क्या मिला आपको, RBCs मिले, ठीक है, WBCs मिले, और 4+ मतलब प्लस प्रोटीन, मतलब काफी ज्यादा प्रोटीन उसकी यूरिन में मिलते हैं। ठीक है, फेस कॉन्टेस्ट माइक्रोस्कोपी, मतलब बायोप्सी जब की गई, ठीक है, तो उसमें क्या मिला उसको, 80% डिसमॉर्फिक रेड सेल्स मिले। डिसमॉर्फिक मतलब जब वो बेसमेंट में क्रॉस करते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, डिसमॉर्फिक, ठीक है, मॉर्फोलॉजी उनकी बदल जाती है। तो आप इसमें देख पा रहे हो, उसका URTI हुआ, उसको स्किन इन्फेक्शन भी हुआ, इससे आप कर सकते हो कि उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का साइन सिम्टम भी मिले, यूरिन डार्क कलर का हो गया, उसका बीपी बढ़ गया। ठीक है, उसके यूरिन में RBCs, WBCs, प्रोटीन्स ये सब मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या मिल रहा है, डिसमॉर्फिक रेड सेल्स। जो RBCs मिलते हैं कैसे होते हैं, डिसमॉर्फिक होते हैं, क्यों, मैंने बताया था कि जो स्पेस होता है पोडोसाइट्स के बीच में वो बहुत कम होता है और बड़े सेल्स फिल्टर नहीं हो पाते, तो जब इसमें स्पेस बढ़ जाता है डैमेज की वजह से, तो जब RBCs उनको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, वो उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल गोल नहीं रहते, ओवल शेप होती है उनकी शेप, वैसे ओवल शेप में वो निकल नहीं पाते, तो ओवल शेप से ना निकल पाने के कारण जब निकल रहे होते हैं तो बेल शेप्ड
या और ग्लास शेप, इस शेप के बन जाते हैं, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी तो चेंज जाती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डिसमॉर्फिक रेड सेल्स। ठीक, तो ये हमारा सारा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था, और हम यही पढ़ेंगे, क्रॉनिक नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि बच्चों में ज्यादातर एजीएन ही मिलता है। ठीक है, जो भी क्वेरीज हो अपना आपको सब म्यूट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कोई क्वेरी है क्या किसी को। तो किसी कोई क्वेरी सर, एक बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पढ़ा देते, रिपीट करा देते। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पूरा नहीं सर, वो थोड़ा सर, जो एंटीजन के बाद वाला पार्ट था, एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स वाला। हां देखो तो सिंपल है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में ऐसा होता है, कोई भी इन्फेक्शन जब होगा तुम्हें, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है, जैसे वो बॉडी में जाएगा उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट क्या बनेंगे आपकी बॉडी में, एंटीबॉडी बनेंगी। ठीक है, वो एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय कैसे करती हैं, सबसे पहले उससे जाकर अटैच होती हैं, वो अटैच होके वो कहाँ ले जाती हैं उसको, लिम्फ नोड्स में, जहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वहां ले जाते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उसके एनगल्फ कर जाते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सबकी बॉडी में होता ही है, किसी को इन्फेक्शन हो, नॉर्मल प्रोसेस है। किसी किसी केसेस में जो प्रीडिस्पोज होते हैं जेनेटिकली, उनमें क्या होता है, यही रिएक्शन क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, एंटीजन आया एक, उसके खिलाफ वन की बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज बन गई हैं, ठीक है, और वो उससे अटैच हो गई। अटैच होने के बाद वो लिम्फोसाइट्स में लेते हो गई, उसको लिम्फ नोड्स में लेते हो गई, मगर लिम्फोसाइट्स उसको फैगोसाइट, सबको फैगोसाइट नहीं कर पाए, क्योंकि लिम्फोसाइट्स कम थे, कॉम्प्लेक्स ज्यादा थे, और खासकर जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से जो बनती हैं ये एंटीबॉडी, ये आपके एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस, ये लिम्फ नोड्स में ना जाकर, इनकी एफिनिटी कहाँ ज्यादा रहती है, ग्लोमेरुलाई में, तो लिम्फ नोड्स में जाकर कहाँ चली जाती हैं, ये ग्लोमेरुलाई में जाकर अपने आपको अटैच कर लेती हैं, और जैसे ही वहाँ जाकर अटैच करती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती हैं, वो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, वो बॉडी खुद करती है एक्टिवेट, क्यों, उनको वहाँ से डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, वही सेम जो इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी वहाँ पर, आपके मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स सब वहीं आ जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से एक, अब वो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ऐसा नहीं पिन पॉइंट करके फैगोसाइट करते हैं, वो उसके साथ साथ जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी फैगोसाइट कर जाते हैं, आसपास के जो हेल्दी सेल्स होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल केस में भी होता है, तो जब वो उसको फैगोसाइट कर रहे होंगे, वो किससे अटैच है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, तो साथ साथ वो उसके साथ साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल्स को भी फैगोसाइट कर जाएंगे, तो जो आपका डैमेज और बढ़ जाएगा। जैसे ही डैमेज हुआ आपका, जो आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद सीधा ही जो आपके ब्लड रास ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, वो फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे आपकी यूरिन में। ठीक है, तो आप यूरिन में ब्लड आना, पस आना, प्रोटीन आना, ये सब आना शुरू हो जाएगा। ठीक, किसी और कोई पीपीटी सेंड कर दोगे सर ग्रुप में? पीपीटी एक मिनट, अगर यहाँ पर ऑप्शन करने का, ठीक है, ये जो पीपीटी है यस सर, पीपीटी में ग्रुप में सेंड कर दूंगा सबको। यस सर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे सेंड करने की, अगर सबको मिल जाती है ठीक है, वरना मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सबको चाहिए पीपीटी, ये पढ़ लिया कोई अपना आप भी? सर चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा इसको। कोई और करी किसी की भी? ठीक है, तो मैं जब भी मुझे पैरों में फीडिंग एडमा हो जाती है या फिर, हाँ पूछो पूछो। हेलो, पैरों में पिडिंग एडमा हो जाती है या फिर आंखों के आसपास स्वेलिंग आ जाती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना था सर। देखो कैसे होता है, तो टाइम जाने वाला है तो मगर फटाफट सुन लो। इसमें क्या होता है कि जो हर्ट होता है आपका, ठीक है, हर्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से फ्लूइड कहाँ जाता है, हर्ट के किस साइड जाता है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट एट्रियम में जाता है, से कहां जाता है वो, आपके राइट हैंड साइड, राइट एट्रिया में, ठीक है,
अगर किसी भी कारण से राइट एट्रस से कहा जाता है वो राइट एट्रस से कहा जाएगा राइट एट्रियम से वेंट्रिकल राइट एट्रियम से लंग्स में राइट हैंड साइड से वेंट्रिकल में जाएगा वेंट्रिकल ठीक है राइट वेंट्रिकल में जाएगा उसके बाद कहां जाता है वो कहां पुश करता है वो लंग्स फिर लंग्स में जाता है लंग्स लंग्स से वापस कहां आता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट पूरी बॉडी में जाता है ठीक है इसमें क्या इसमें क्या होता है किडनी डिजीज में किडनी आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है ठीक है इसका मतलब क्या है जो लेफ्ट हैंड साइड से ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप तो कर रहा है मगर आगे ब्लॉकेजेस की वजह से प्रेशर किस पे पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर पड़ रहा है तो वहां पर फ्लूड कहाँ से आ रहा है लंग्स से आ रहा है तो लंग्स में फ्लूड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा आपकी जो राइट हैंड साइड है वो फेल होनी शुरू हो जाएगी जैसे ही आपकी हार्ट की राइट हैंड साइड फेल होनी शुरू हुई इसका मतलब क्या है पूरी बॉडी से जो आपका ब्लड है वो कहाँ पर नहीं आ पाएगा राइट हैंड साइड पे नहीं आ पाएगा ठीक है तो अगर राइट हैंड साइड पे सारा ब्लड नहीं आ पा रहा तो कहाँ इकट्ठा होना शुरू होना जाएगा बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा वो ब्लड ठीक है धीरे धीरे अगर राइट हैंड साइड फेल हो रही है हमेशा याद रखना राइट साइड हार्ट फेलियर RHF बोलते हैं उसको राइट हार्ट फेलियर अगर हार्ट की राइट साइड फेल हो रही है तो इसका मतलब क्या राइट हैंड साइड में ब्लड कहाँ से आता है आपकी बॉडी से आता है बॉडी से ब्लड जो राइट हैंड साइड पर नहीं आ पाएगा वो पूरा फुल हो जाएगा वो आगे पंप नहीं कर पा रहा है वो लंग्स में तो लंग्स में पंप नहीं कर पा रहा राइट हैंड साइड फेल हो रही है इसका मतलब क्या ब्लड पहले कहाँ इकट्ठा होगा राइट हैंड साइड पे भर जाएगी पूरी राइट हैंड साइड भरने के बाद जो आपकी बॉडी से ब्लड आ रहा है वो हार्ट में नहीं जा पाएगा नहीं जाने की वजह से कहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा वो बॉडी में और ग्रेविटी की वजह से कहाँ इकट्ठा होता है ज्यादातर पैरों में इकट्ठा होता है पीडलेडी में ठीक है होता पूरी बॉडी में ही है वो मगर दिखाई कहाँ देता है सबसे ज्यादा ग्रेविटी की वजह से पैरों में दिखाई देता है और कहाँ दिखाई देता है जो ब्रेन में यहाँ पर फेस पे जो एडिमा मिलेगा वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ इकट्ठा हो जाता है आपके आईज के नीचे ठीक है इसके लिए पफनेस मिलती है आईज के नीचे वरना पूरा फेस में फेशियल एडिमा मिलता है पूरा वैसे मगर सबसे पहले आपकी स्किन पतली होने की वजह से और ग्रेविटी की वजह से कहाँ मिलता है आईज के नीचे मिलता है पफनेस ऑफ आईज बोलते हैं इसको इसलिए ठीक है बाकी जो भी क्वेरीज हो नेक्स्ट क्लास जब लूंगा ऑल्टरनेट सोचूंगा ऑल्टरनेट ले लूंगा क्योंकि एक दिन मंडे वाले डेज में लेती है श्वेता मैम तो मैं कोशिश करूंगा ट्यूसडे वाले डेज में तुम्हारी इसी टाइम 11 बजे क्लास ले लिया करूं ओके सर ठीक है अब जो जो टॉपिक नहीं हुए वो धीरे धीरे कवर करवाते हैं ओके सर ठीक है बाकी जिसको भी क्वेरी होगी मुझे बता देना ठीक है ठीक है मैं सेंड कर रहा हूँ ये सबको PPT ओके थैंक यू सर ओके ओके ओके